हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट सक्सेस। आज हम 5 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें डिस्कस करेंगे। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। CRS सम्मेलन में सशस्त्र बल फ्लैग डे समारोह को किसने संबोधित किया? ये रक्षा मंत्री ने संबोधित किया और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में समुद्र बल की भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट का CEO सुंदर पिचई को बनाया गया। सुंदर पिचई को CEO बनाए जाने की घोषणा गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सरगई ब्रिन ने की। सुंदर पिचई गूगल के भी CEO हैं। गूगल की स्थापना 7 सितंबर 1998 में की गई। इसका मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के कौन से चरण की शुरुआत की गई है? चौथे चरण की शुरुआत की गई है। इस चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और प्रायद्वीपों पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2016 अक्टूबर में की गई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में विमान संपर्क उपलब्ध कराना है जहां ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। उड़ान योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। भारत ने देश में निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया? ये किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। इसका वजन है 4600 किलोग्राम। पृथ्वी 2 9 मीटर लंबी सिंगल स्टेज तरल ईंधन वाली पहली मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। मिसाइल का पहली बार परीक्षण 27 अगस्त 1996 में किया गया। DRDO के अध्यक्ष है जीत सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु के तिरुची समेत अन्य शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवेज के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए कितने राशि के अग्रिम ऋण देने की मंजूरी दी है? 206 अमेरिकी डॉलर का ऋण देने का मंजूरी दिया है। इस परियोजना का लक्ष्य अम्बूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर और वेल्लोर जैसे शहरों में सीवेज संग्रह और मरम्मत और जल निकासी प्रणाली विकसित करना है। ADB के भारत मिशन के कंट्री निर्देशक है केनिची योकोयामा। किस राज्य की सरकार ने रक्षा से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 30% सब्सिडी और 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया है? ये लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश के वर्तमान CM है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का BALON DOR पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है लियोनेल मेसी ने जो कि बार्सिलोना के फुटबॉलर है। उन्होंने 6ठी बार इसे जीता है। नई दिल्ली में भारतीय पोषण एंथम का शुभारंभ किसने किया? ये किया है उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने। का लक्ष्य है भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए इस एंथम को देश के कोने कोने तक ले जाना। एंथम की अवधारणा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है जिसे प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने लिखा है और शंकर महादेवन ने गाया है। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूप। ये देश के पूर्व कला और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। उसके प्रधानमंत्री है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। वॉलमार्ट इंडिया ने किसके साथ मिलकर अपने सबसे किफ़ायती मॉडर्न होलसेल स्टोर B2B कैश एंड कैरी के सदस्यों के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये है HDFC बैंक। इसमें 50 दिनों तक की क्रेडिट सुविधा दी जाएगी। कार्ड को डिनर्स क्लब इंटरनेशनल के संयोग से जारी किया जाएगा जो 185 देशों में अपने सदस्यों के कार्ड स्वीकार करता है। वॉलमार्ट इंडिया का मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा और इसके अध्यक्ष और CEO है क्रिस अय्यर। वर्ल्ड बैंक समूह की इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कितने निवेश की घोषणा की है?
इन्होंने किया है $200 मिलियन का। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक ग्रामीण NBFC यानी गैर बैंकिंग ऋण कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का गठन 20 जुलाई 1956 में किया गया। इसका मुख्यालय है Washington DC जो कि USA में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के 184 सदस्य देश है। इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन के CEO हैं फिलिप ले होयरो। ऑस्कर मेनन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जाने माने पत्रकार थे। इन्होंने 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की रिपोर्टिंग की थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड का नया अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कवा। ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार नियुक्त हैं और 17 जनवरी 2020 को ADB के 10वें अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। ये ताकिहिको नकाओ का स्थान लेंगे जो 16 जनवरी 2020 को पद से सेवानिवृत्त होंगे। ADB की स्थापना 1966 में हुई। इसमें 68 सदस्य देशों का समूह है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।